जी इधर मैं आ गया हूँ पार्किंग में। पहले तो अपनी बाइक पे हेलमेट बांध दूँ, ये बाइक खड़ी कर दी। देखो कितना पसीने में दिख रहा है ना, हाय हाय मर गए, रह रहा हूँ मस्त पसीने में। बड्डे पे यार किसी को इतना पसीना आता है, देखिए जितना मुझे आ रहा है। यहाँ से मैं आया अभी, फिर यहाँ चढ़ जाऊँगा ऊपर सीधा, ठीक है। और शूज़ वगैरह देख लो, यहाँ पर सेल लग रही है जूतान की। और तो मुझे गर्मी लग रही है, वहाँ ठंड लगी थी भाई से मुझे, वैसे कसम से बहुत मस्त सीन बन रहा था। गुड मॉर्निंग सभी को, आ गया मैं आपके साथ एक और न्यू ब्लॉग लेके। क्या हाल चाल सबके, आज मेरा बर्थडे है, सब मेरे को हैप्पी बर्थडे बोल दो पहली बात तो, मैं बाद में बोलूँगा। बोल दिया ना, हाँ तो चलो भाई इस ब्लॉग के अंदर क्या क्या करते हैं देखते हैं, पूरा ब्लॉग लास्ट तक देखो, ठीक है जी। और तो बस मैं फ्रेश वगैरह हो लूँ पहले। भाई गाइस मैं नहा दिया हुआ सुबह ही सुबह, ठीक है जी। आज तो मैं जल्दी उठ गया था तो इसलिए मैं नहा भी लिया, मगर कोई नहीं अपने बर्थडे पे। हाँ आज बिना किसी को उठाए उठाऊंगा, ये देख लो, ठीक है जी। और मैं ब्रेकफास्ट बता रहा हूँ आज क्या कर रहा हूँ। माय ब्रेकफास्ट समोसा, ब्रेड, चटनी और चाय। ओके जी, अब चलो खा लूँगा इन्हें। वही बर्थडे वाले दिन भी अपनी बाइक को पहले सफ़ा करूँगा, देखो कितनी गंदी हो रही है, ठीक है जी। और चलते हैं अब बर्थडे मनाने, ठीक है। तो चलो दिखाता हूँ आपको कहाँ जा रहा हूँ मैं और कैसे सब, पूरा ब्लॉग देखो लास्ट तक, मज़ा आ जाएगा। लो जी इधर मैं आ गया हूँ पार्किंग में। पहले तो अपनी बाइक पे हेलमेट बांध दूँ, ये बाइक खड़ी कर दी। देखो कितना पसीने में दिख रहा है ना, हाय हाय मर गए, रह रहा हूँ मस्त पसीने में। बर्थडे पे यार किसी को इतना पसीना आता है, देखिए जितना मुझे आ रहा है गाइस। तो चलो बाइक को पहले खड़ी कर दूँ अच्छी तरह, हेलमेट वगैरह बांध दूँ, उसके बाद चलता हूँ यहाँ पे अंदर। पर्ची काटने वाला इस तरफ बैठता था ना पहले, अब वो अंदर की तरफ आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आओ ध्यान रखना इस तरफ आना है आपको, वहाँ पे खड़ी नहीं करनी, अंदर आ जाओ और यहाँ पे अपना बैग वगैरह जमा करवा लो, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं सीधा अंदर की तरफ हम, और दिखाता हूँ मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, ठीक है। सब चीज़ बताऊँगा, लास्ट तक देखना पड़ेगा, पर आपको ऐसा नहीं बताऊँगा, ठीक है। अपनी यहाँ से एंट्री करते करते चलते जाओ सीधे। लो मैं बता दूँ मैं आया हूँ फिल्म देखने यहाँ, देखो विजय सेल्स फ्री प्रमोशन तेरा भी क्राउन प्लाजा में। जिसने मेरा पहले वाला ब्लॉग देखा होगा जहाँ पे मैं नाइट का शो देखने आया था, वो यहीं पर आया था मैं देखने। ओके तो चलो अंदर चलता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे। तो यहाँ से आपको एंट्री करनी पड़ेगी अंदर, ठीक है जी। चेकिंग इधर नहीं होएगी पक्की बात है, हाँ यहाँ पे खुद भी होती नहीं है पता नहीं क्यों। हाय अंकल बैठे हैं ऐसे गार्ड साहब, तो ये आ गए हम सड़े से मूल में। यहाँ पे देखो पर हमको जाना है सीधा ऊपर, पहले तो मैं टॉयलेट में जाना है गाइस अपना फेस वॉश करने, ठीक है जी। तो चलो चलते हैं वॉशरूम में, देख लो जी वॉशरूम में, इधर लेडीज़ इधर जेंट्स, ठीक है। तो चलो मैं शुशू कर लूँ पहले, बाद में बात करता हूँ आपसे। तो चलो जी अब मैंने हो गया है फ्रेश अप यहाँ पे, तो निकलते हैं वहीं से। और तो मैं शर्ट इसलिए पहन के आया था यहाँ पर, डबल बता दूँ आपको, धूप में हाथ काले हो जाते हैं, खुजली होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। तो चलो बाद में बात करता हूँ। इधर बहुत घूम लिया मैं, अब चलता हूँ ऊपर। ये सिटी पहली बार चल रही है पता है आपको, नहीं तो ये सिटी कभी चलती नहीं थी, जितनी बार भी मैं आया हूँ ये सिटी बंद ही मिली है मुझे, लेकिन आज चल गई अच्छी बात है। अब हम देखेंगे पिक्चर, ठीक है। थ्री बताने कितने का, 3-5 का शो है, बट मैं आ गया जल्दी। तो चलो यहाँ से अंदर एंटर करता हूँ मैं, ठीक है जी। चलो जी हम आ गए हैं अंदर, ये काउंटर देख लो, इधर वाटर देख लो, पहले पानी पीऊँगा मैं तो प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, और अपना सीन लगा है OD1 में, ठीक है। तो चलो पहले पानी पीऊँ उसके बाद बात करता हूँ। तो भाई चलो चलता हूँ अंदर, ठीक है गाइस। और गर्मी लग रही है बहुत भयंकर, हम यहाँ पर सोऊंगा, मैं सोना आया हूँ सही बताऊँ यहाँ पर। ये OD2 है लेकिन मुझे जाना है OD1 में, ठीक है जी। तो इस तरफ आपसे घूमा मैं, उल्ट गलत आ गया था पहले, यहाँ से घूम के जाओगे ये आ गया अपना OD1, ठीक है। तो थोड़ी देर में ये द्वार खुल जाएगा, हम अंदर चला जाएगा। एंट्री स्टार्ट हो गई है अंदर की, सबको जानता हूँ मैं बाद में जाऊँगा। तो वही चलो अंदर की तरफ, यहाँ से घूम के ऐसे जाना पड़ेगा, फिर इधर घूमना पड़ेगा, फिर हमको आप हम आपको अपनी सीट दिखाएगा, ठीक है। तो आ गया मैं अंदर, ये देख लो जी पूरा हॉल, ठीक है। तो वहीं पिक्चर देखेगा हम, और तो एक सेकंड रुको फ्लैश चला दूँ। तो चलो बाद में बात करता हूँ, ठीक है। आधे घंटा से ऊपर हो गया, फिल्म स्टार्ट नहीं हो गई देरी है यहाँ तो, ठीक है जी। तो चलो अब स्टार्ट हो गई है, लो जी मूवी स्टार्ट हो गई है, देख लो अनिल कपूर साहब टाइट है और पूरे, ठीक है। शादी के बाद तो भाई निकल गया मैं इस मॉल से, अब भूख लग रही है बहुत जोर की, आज मैंने लंच ही नहीं करा यार, 6:30 हो गए,
तो चलते हैं दूसरे वाले मॉल में, कुछ खाऊंगा पहले, क्योंकि यहाँ पे खाने का तो बस ऐसे ही है सिस्टम, ठीक है जी। तो चलो चलता हूँ सीधा, आप मिलता हूँ आपसे आगे चल के। उनको टाटा बाय बाय कर देते हैं, सीधा निकलते हैं हम, ठीक है भाई, दूसरे वाले मॉल में। चलो भाई दूसरे मॉल में मैं आ गया हूँ, पार्किंग में करिए बाइक खड़ी, अब निकलता हूँ यहाँ से। पर पहले शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे भी ऊपर जाना, मुझे लग रही है बहुत जोर की भूख, तो इसलिए ऊपर चढ़ते जाओ अभी, तो सेकंड फ्लोर पे जाके मिलेगा हमें खाने के लिए, ठीक है। यहाँ से मैं आया अभी, फिर यहाँ चढ़ जाऊँगा ऊपर सीधा, ठीक है। और शूज़ वगैरह देख लो, यहाँ पर सेल लग रही है जूतान की, और तो मुझे गर्मी लग रही है, वहाँ ठंड लगी थी भाई से मुझे, वैसे कसम से बहुत मस्त सीन बन रहा था। और ये मैंने मॉल दिखा रखा है वैसे आपको, जिसने मेरा पहला व्लॉग भी देखा होगा एक बार और कमेंट करके बताओ मुझे कब आया था मैं यहाँ पे, और व्लॉग चेक कर लो, मुझे मिल जाएगा, लो पता चल जाएगी बेटे, है ना, मैंने बोला ना अब पता चलेगी, अगर नहीं चलेगी तो मैं ज़बरदस्ती चलवा दूँगा पता। ओके गाइस, पसीने में मेरा क्या हाल हो रहा है, और ये नीचे ये मैं, ओके तो चलो भाई, कहाँ आ गया मैं सेकंड, हाँ यहीं आना था मुझे, चलो मैं पहले कुछ ठूस लूँ। जाओगे ये आ गया डोमिनोज, और इसी तरफ है सीधे फूड काउंटर सारे, ठीक है जी। तो पहले हम यहाँ पे कुछ खाते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे। तो भाई फाइनली आ गया मैं, भूख लगी है बहुत जोर से, भगवान कसम ऑर्डर दे दिया है, मज़ा आएगा, खाऊंगा आपको भी दिखा दूँगा, आप दिखा लेना, मेरे साथ शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा, बाद में बात करता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑर्डर दिया है, ठीक है जी, तो और देख लो भीड़ भाड़ कितनी हो रही है, और मैं बैठा हूँ बस यहाँ अकेला, मैं और मैं। पिज़्ज़ा आ गया है अपना इधर से, ठीक है, तभी से मैं खा लूँ, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। अच्छा तो भाई यार मैं तो पसीने नहीं छूट के दे रहे, भगवान कसम आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, ये चंपू सा बना दिया देखो मैं पसीने ने, अब चलता हूँ घर की तरफ, ठीक है जी। तो चलो आप भी मेरे साथ, अब बहुत घूम लिए। तो भाई अब आ गया मैं अपनी मार्केट में, अब घर पे के लिए एक तो मैं पनीर ले जाना है और खाने का सामान ले जाना है, ठीक है जी। तो चलो सामान वगैरह ले लूँ मैं, फिर चलता हूँ सीधा घर की तरफ, ठीक है। तो भाई आ गया मैं घर पर, पसीने देखो सिर्फ पूरा भीगा पड़ा हुआ है, मेरे टी शर्ट का कलर बताना बिल्कुल इस तरीके का है, ब्लू ब्लू, अगर पसीने में पूरी टी शर्ट भीग रही है यार। अच्छा जन्मदिन मेरा गर्मी में क्यों आवे, अम्मा मेरा जन्मदिन गर्मी में क्यों आवे, कसम तो बहुत बुरा हाल यार, अब की बार तो गर्मी ने मार दिया, मैं दो तीन दिन की गर्मी जो पड़ रही है ना, इसने बहुत बुरा हाल कर दिया मेरा, ठीक है। तो चलो करता हूँ आपसे बाद में बात, और देखो लाइट के बिल्कुल नीचे खड़ा होकर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो चलो बाद में मिलता हूँ आपसे। चलो जी अब इस ब्लॉग को एंड करने की बारी आ गई है, माय बर्थडे इज़ फिनिश, मैं अपना डिनर ले आया, ठीक है जी। तो अब इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत पब्लिक ने सोचा कि ये मैंने कैसा बर्थडे मनाया अपना, अकेले ही जाके फिल्म देख ली और सब चीज़ मतलब अकेले ही कर लिया, रीज़न था मेरे पास, मेरी कम्मो गई और थी कॉलेज, ठीक है, तो भी देख रहा देख ले रहे कॉलेज गया था, तो इसलिए ऑप्शन मेरे पास कुछ था नहीं, और मेरा प्लान बन रहा था बहुत पहले से ही कि बर्थडे पे मुझे मूवी तो देखनी देखनी है, तो मुझे इसलिए मूवी देखना जाना पड़ा, और मेरी टिकट भी हो रही थी, ठीक है, टिकट भी मैंने कर दी थी, परसों कर ली थी बुक, तो इसीलिए जाना पड़ा मेरे को गाइस। और मैं आज मिला भी उससे इसलिए नहीं क्योंकि टाइम हो गया मुझे बहुत ज़्यादा, अब पता है कितना टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं ये देख लो, तो इसीलिए गाइस आई एम सॉरी, हम आपको आज बस मैंने अपने आप को ही दिखाया है अपने बर्थडे पे, देख लो अगर, हाँ ये वैसे टिप्स दे रहा हूँ मैं, किसी को अकेले सेलिब्रेट करना हो ना मेरे से टिप्स लो, मैं बहुत बढ़िया टिप्स देता हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।